बहुत दिनों बाद आज सोचे थे मोटो व्लॉगिंग होगा, लेकिन अरे यार ये क्या हो गया, मैं इसको लगाऊंगा कैसे है यार हेलमेट पे। बहुत दिनों बाद आज सोचे थे मोटो व्लॉगिंग होगा, लेकिन मेरा जो मेन क्लिप है जो हेलमेट के साथ यहाँ पे अटैच होता है टूट गया है। उसका जो नट का जगह था जहाँ पे बोल्ट जाके स्क्रू होता है वो टूट गया, हो गया बड़ा नुकसान। अब बड़ा नहीं मतलब नुकसान तो हो ही गया ना, अब इसको करना है मुझे रिप्लेस। देखेंगे जाएंगे कभी, बहुत दिनों बाद यार सोचा था कि आज मोटो व्लॉगिंग होगा। चलो कोई बात नहीं यार, हादसे तो होते ही रहते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यस यस यस, यही मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, एपिक कस्टम्स का ये शॉप है। आज यहीं से मैं अपना व्लॉग का शुरुआत करने जा रहा हूँ। थंबनेल देख के वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग क्या रिलेटेड है। जी हाँ, मेरा दोस्त, मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त मोइना, फाइनली आज वो अपना ड्रीम बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक रीबॉर्न 350 आज डिलीवरी लेने जा रहा है। और ये मेरा खुशनसीबी है कि मैं आज उसके साथ जा रहा हूँ। और सोचा था मोटो व्लॉगिंग होगा, एक बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपना एक्शन कैम जो है वो हेलमेट पे माउंट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा ये क्लिप टूटा हुआ है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मोटो व्लॉगिंग करूँगा तो शेरा को लेके जाए या डुगडुग महाराज को लेके जाए। सो पता नहीं, अभी मैं डिसाइड करूँगा। मोटो व्लॉगिंग होगा नहीं तो महाराज को आज करने देते हैं रेस्ट, चलते हैं नॉर्मली, मतलब मेरे शेरा पे। नॉर्मल नहीं, ये भी मेरा बहुत ही प्यारा बाइक है। सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम, मोइना का कॉल भी आ गया, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30-11 बजे मीट करने का बात है। वहाँ से हम लोग चलेंगे आदित्य मोटर्स। तो आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, मैं रास्ते पे आप लोगों को कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगा। डायरेक्ट मिलते हैं शोरूम पे डिलीवरी के टाइम पे और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसा रहता है आज का दिन। सो बने रहिए पूरे वीडियो पे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को कर देना है एक ठो लाइक। बने रहिए मेरे वीडियो पे, मिलते हैं बहुत जल्द। अगर जाने का बात है शेरा का तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरा एक माउंट है तो मैं यहाँ पे अटैच करके लेके जाऊँगा। यार मोटो व्लॉगिंग करने को जब सोचा था तो मोटो व्लॉगिंग मुझे करना ही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अटैच कर देने से थोड़ा बहुत फुटेज आप लोगों को दिखा पाऊँगा। सो यहीं पे अटैच कर लेते हैं। ये रहा सेटअप फिलहाल, यहाँ पे मैं अपना कैमरा सेट कर लिया। सो अब आज होगा मोटो व्लॉगिंग, बहुत दिनों बाद आ गया मोइना। हेलो आज इसका एक सपना पूरा होने को जा रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और गाइस ये बहुत ही फेमस है, ट्रस्ट मी, मोइना द एक्सप्लोरर, द फेमस गाय, रियल एस्टेट गाय, दिस इज अ रियल एस्टेट गाय। लेट्स गो, डेस्टिनेशन आदित्य मोटर्स रॉयल एनफील्ड। Keep it all for yourself, my love, 'cause it really don't matter to me. Gotta get what you want, gotta get what you need.
मोइनाक द एक्सप्लोरर, मोइनाक भाई फाइनली अपना बाइक, अपना ड्रीम जो है वो आज पूरा करने को जा रहा है। सुपर एक्साइटेड। मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे बाइक डिलीवरी पे कि मुझे बहुत ही खुशी होता है जब मैं किसी इस खुशी के मौके पे मैं अपना मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकूं या मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। सो हियर इज मोइनाक। तो चलो चलते हैं अंदर। हाँ चलो। फर्स्ट फ्लोर पे मोइनाक ऑलरेडी पीछे अपना कंटेंट बनाता हुआ। आई होप यस देयर ही इज। सो बाइक नीचे ही है। दिस इज माय सेकंड विजिट इन दिस शोरूम। सो वेरी मच एक्साइटेड। वो फीलिंग्स ही अलग होता है जब कोई अपना बाइक डिलीवरी लेता है। क्या बताऊँ, दिस इज द थर्ड या फोर्थ टाइम मैं किसी की डिलीवरी पे आया। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फीलिंग मतलब आई फील वेरी मच एक्साइटेड एंड हैप्पी कि वो लोग मुझे ये मौका देता है कि उन लोगों के साथ, उन लोगों के खुशी के मौके पे मैं उन लोगों के साथ रहूं। सो वेरी मच एक्साइटेड। और रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल एनफील्ड है बॉस। यस रॉयल एनफील्ड, मैं खुद ही रॉयल एनफील्ड ओनर हूँ, आप लोगों को पता ही है। सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय किया, सिनेमेटिक्स अच्छा लगा लगा ना, तो लाइक क्यों नहीं किया, जल्दी से लाइक करो वीडियो को और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बंदे को देख रहे हो, खिल रहा है। एक्साइटमेंट लेवल देखो इसका। मैं तो कल रात को ही फ़ोन करने जा रहा था कि भाई नींद आ रहा है। पता है ना, आई बटन में लिंक आ रहा है। मैं और जो जो बाइक डिलीवरी पे शामिल हुआ था सब लिंक है आई बटन पे, जाके चेक कर लीजिए। Here is the beast. अभी इसको करने वाला है मेरा भाई अनुवीर। So let's don't waste time. चलते हैं सीधा delivery के ओर। Always so इबर होच्छे reveal करा time. Ready? 3, 2, 1. Whoa! Tawaz भाई। आय 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 बाइक डिलीवर्ड हो चुका है भाई ने चला लिया एक राउंड। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सो मच मोइनाक द एक्सप्लोरर।
फेमस है, लिंक छोड़ने का जरूरत नहीं है, एक बार टाइप कीजिए मोइनाक द एक्सप्लोरर, सबसे पहले इसी को मिलेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल एज वेल, बीइंग इमरान। दिस मींस अ लॉट, बट चैनल का नाम अभी चेंज हो गया है, बीआई क्रिएशंस। सो कांग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो विश कीजिए मोइनाक को, कमेंट सेक्शन भर दीजिए ब्लेसिंग से। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, थैंक यू। अभी सीन ये है कि डिलीवरी तो हो चुका है, होप आप लोगों को अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मोइना अपना बाइक वहाँ पे रखेगा, उसका एक पल्सर भी है वो लेके निकलेगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंजॉय किया हो, सो प्लीज़ डू लाइक। और आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मोइना का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, ठीक है, सो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करना। एंड चलो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे, एक नए कलाकारी या एक मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। ब्लूपर अलर्ट, ब्लूपर ब्लूपर अलर्ट। टेस्टिंग चल रहा है माइक का, यूट्यूबर्स लाइफ।